हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटीरिया। भारत मिलाप के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कॉम्पटीरिया एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स की सीरीज़ में आज आपको यूक्रेटाइड्स वंश, जो कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत मैंने डिस्कस किया था, उस क्रम में विदेशी आक्रमण में हिंद यमन और डेमेट्रियस वंश तक मैंने आपको लेक्चर दिया था, यूक्रेटाइड्स वंश तक भी बताया था। अब हम यूनानी संपर्क के प्रभाव के बारे में, शक आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल से प्रायः यूपीपीसीएस प्री में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कॉम्पटीरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्पटीरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। बिना समय गवाए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूक्रेटाइड्स वंश, इसकी राजधानी तक्षशिला है। इसका सबसे प्रतापी शासक एंटीयालकिड्स था। इसने सुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुण स्तंभ स्थापित किया, उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। यूनानी संपर्क के प्रभाव की बात करें, भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन और विभिन्न ग्रहों के नाम उनसे लिए हैं। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी थी। गार्गी संगीता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है, और ऐसा लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं। वराहमिहिर कहते हैं कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु ये ज्योतिष के विद्वान हैं और इसीलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने पहली ही बार सोने के लिखित सिक्के चलाए। एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति, कुछ अन्य चिन्ह बनाए गए। यूनानियों ने द्विभाषा युक्त सिक्के भी चलाए। हिंद यमन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली, जिसको होलेनिस्टिक कला कहते हैं, इसका जन्म हुआ। कनिष्क के समय की गांधार कला में ये कला हमें एकदम स्पष्टतः परिलक्षित होती है। संस्कृत नाटकों के पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होने लगा। पर्दा प्रथा का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। यहीं से पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी हुआ। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म अपनाया। हेलियोडोरस राजदूत ने भागवत धर्म और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तपस्या और योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी थी, ऐसा माना जाता है। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, शक आक्रमण। यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि मौर्य वंश के पतन के बाद कई आक्रमण हुए, जिसमें डेमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइड्स वंश और अब शक आक्रमण हुए, जिन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया। यूनानी जितने भाग पर कब्जा कर सके थे भारत में, उससे भी ज़्यादा भाग पर शकों ने कब्जा किए। शकों की कुल मिलाकर 5 शाखाएँ थीं, जिसमें एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। और भारत में मुख्यतः 2 शाखाओं में ये विभाजित थे, जो शक थे। प्रथम उत्तरी क्षत्रप कहलाए, जो तक्षशिला और मथुरा में थे, और दूसरे पश्चिमी क्षत्रप कहलाए, जो नासिक और उज्जैन में थे। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप ऐसे नाम से पुकारते थे। तक्षशिला के शक का प्रथम शासक माउस, जो कि 20 ईस्वी पूर्व से 22 ईस्वी पूर्व था। इस वंश के कुछ अन्य शासक एजेज और
एजेलिसेस थे। मथुरा के शकों में ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे और 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया, जिससे भागकर मथुरा आ गए। और विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत, जिसको कि विक्रम संवत या मालव संवत, जो कि 57 ईस्वी पूर्व इस तरह के संवत की नींव पड़ी, इसको विक्रम संवत या मालव संवत आप जानते हैं, 57 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य के नाम। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजुल था। राजुल के बाद उसका पुत्र सोडास राजा हुआ। अब हम नासिक के शक के बारे में चर्चा करेंगे। नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक भूमक और नहपान थे। वे अपने आप को छहरात या क्षत्रप कहते थे। सबसे प्रसिद्ध शक शासक नहपान था, 119 ईस्वी से 124 ईस्वी। इनके राज्य में काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण और पूना आदि का राज्य शामिल था। इन्होंने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीन लिया था। पेरिप्लस के अनुसार इनकी राजधानी मिन्नगर, जो कि भड़ौच और उज्जैन के बीच में जो स्थल है मिन्नगर, वो मानी जाती थी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इसे पराजित करके मार डाला था नहपान को। जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। नहपान का दामाद सातवाहन शासक ऋषभदत्त या उषावदत्त था। मालवा या उज्जैन के शासक, शक शासक, तो सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। पहला स्वतंत्र शासक चष्टन था। रुद्रदामन जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इतिहास में, रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी, ये उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे। इनके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इनका जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनः निर्माण करवाया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को मारकर मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। अब पहलव की बारी आती है। पहलव या पार्थियाई बोलते हैं उनको। पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रिडेट्स प्रथम 171 से 130 ईस्वी पूर्व था, लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस का शासनकाल 20 से 41 ईस्वी की राजधानी तक्षशिला थी। गोंडोफर्निस के शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही यानी पेशावर जिले में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेपाल की सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। बाद में वो दक्षिण चला गया और तमिलनाडु में मार डाला गया। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी ईस्वी में आया था। अब सबसे महत्वपूर्ण मैं जो जानकारी आपको दूंगा कुषाणों के बारे में। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में इसके पड़ोसी कबीले हिंग नू ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। इस क्षेत्र में कबीला दो शाखाओं में विभक्त हो गया, कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर चले गए और ज्येष्ठ यूची जो कि पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने बैक्ट्रिया पार्थिया के शासकों को पराजित किया।
भारत में सबसे पहले कुजुल कटफिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण करके पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। बहुत ही महत्वपूर्ण, विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के बाद विम कटफिसेस गद्दी पर बैठे। और चीनी ग्रंथ हाउ हान शू, इसकी जानकारी से हमें पता चलता है कि उसने तियेन चू की विजय की और वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तियेन चू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। पंजाब क्षेत्र में इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसेस को ही ऐसा माना जाता है। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए और सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी और खरोष्ठी लिपि छपवाई। उसने सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल आदि अंकित है जो उसके शैव धर्म में आस्था को द्योतित करते हैं। अगला जो बहुत ही प्रतापी शासक था कनिष्क, 78 से 105 ईस्वी, पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा इसकी राजधानी थी। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी जो कि भारत में शक संवत का सूचक है, 78 ईस्वी थी। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ। उसने पहले कनिष्क की पराजय हुई लेकिन बाद में कनिष्क विजयी हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बहुत बड़ा योगदान रहा। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क के समय में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ जिसे गांधार शैली कला शैली और मथुरा कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जानी जाती है जो कि गांधार इसका केंद्र बिंदु था। इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई है। इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली या गांधार शैली, गांधार कला शैली एक ही है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। ये यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है, अपोलो जैसी। इसमें भौतिकता का पुट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगली कला शैली है मथुरा कला शैली। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय 1 शती ईस्वी इसी कला शैली को दिया जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया गया। उसी के पास में एक विशाल संघाराम निर्मित किया गया। यह संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये। कनिष्क के कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की गई। और कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग को 3 मुख्य शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जिन जिन मार्गों पे कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अधिकार किया वो क्षेत्र थे कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, और दूसरा था मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, और तीसरा जो इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया वो भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन जिसको बोलते हैं ऐसे जारी किए थे। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का भी श्रेय मिलता है। कनिष्क की राज्यसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इसमें पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक इनकी राज्यसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात करो तो कनिष्क का पुत्र वाशिष्क 102 से 106 ईस्वी और फिर हुविष्क जो कि 106 से 140 ईस्वी,
कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई हुविस्क ने, और यह शिव व विष्णु का उपासक था। इसके चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगले थे वासुदेव, ये विष्णु और शिव का उपासक थे, और इनके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। ईरान में ससानियन वंश और पूर्व में नागभार शिव वंश के उदय ने कुषाणों के पतन में योगदान किया। कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए, उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए, सिर्फ स्वर्ण और तांबे के ही सिक्के जारी किए थे। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में आपको मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश, इसमें शुंग वंश, कण्व वंश, पुष्यमित्र शुंग, इनके बारे में, भरूत स्तूप, सांची के स्तूप, अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति और काफ़ी रोचक जानकारियां मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।